हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। मैं डिस्कस कर रहा था अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग पार्ट थ्री। इसके तहत हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वेव्स प्रोपोगेशंस, बेसिकली जब वेव्स प्रोपोगेशन की हम लोग बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दैट इज द वेव्स जो ट्रेवल करती हैं थ्रू अ मटेरियल बाय द वाइब्रेटिंग द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के मोशन पे। तो इसके बेस पे हमारी जो वेव्स होती हैं वो बेसिकली फोर तरह के हम लोगों ने वेव्स को क्लासिफाइड किया, लेकिन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हम दो ही तरीके की वेव्स को ज्यादा यूज करते हैं, आइदर वी यूज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और द शेयर वेव्स। लेकिन वेव प्रोपोगेशन जो मेथोलॉजी है उसमें फोर तरह की वेव्स है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, शेयर वेव्स, सर्वे वेव्स एंड लैम्ब वेव। हम लोगों ने दो वेव्स को डिस्कस कर लिया था, एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल ऑफ द मोशंस हैं वो हमारे डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन को इंडिकेट करते हैं, जैसा कि ये फिगर हमारा इंडिकेट करता है कि इसमें डायरेक्शन जो आपके मटेरियल में जो डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन है सो वो आपका पैरलर है या अलोंग है, उसी डायरेक्शन में आपका पार्टिकल्स का भी मोशन हो रहा है। That type of the wave generation is known as the longitudinal wave. और ये easily वे से perform हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो speed होती है वो faster होती है, faster of the wave modes propagations. Second one is the shear waves. Shear waves में difference ये है कि इसमें wave propagations का जो direction है और जो particles motion का direction है वो 90 degree है, क्योंकि direction of the particles motion is that and the wave propagate in that particular direction, so that's why the waves are propagating in that particular direction. So, इसमें नॉर्मल टू द वेव पार्टिकल्स का मोशन होता है इन कंपेरिजन टू वेव प्रोपोगेशन के, तो परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। तो शेयर वेव्स में क्या होता है, जब परपेंडिकुलर टू द शेयर एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो इसमें काफी कठिनाई होता है पार्टिकल्स को आपको ट्रेवल करने में। सो स्पीड ऑफ द शेयर वेव्स इज स्लो एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, वेलोसिटी आपकी ज्यादा है इसी वही सेम फ्रीक्वेंसी के लिए, और शेयर वेव की आपकी वेलोसिटी कम होती है। दे आर यूज फॉर मोस्ट एंगल बीम टेस्टिंग। और हम लोग जब एंगल बीम टेस्टिंग प्रोसीजर यूज करते हैं, जब हम लोग देखेंगे कि जब हमें किसी एंगल पे टेस्ट करना है सो हम वहां पे वेव प्रोपोगेशन में शेयर वेव्स का भी यूज करते हैं। सेकेंड वन इज द सर्फेस वेव्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेले वेव्स। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन इन द सर्फेस अलॉन्ग द सर्फेस है आपका, और इसमें क्या करता है, पार्टिकल ऑक्सीलेट्स करते हैं, पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं टू फाइंड एंड इट इज टू फाइंड आउट द डिफेक्ट इन द क्रैक, जहां पे हमारा ब्रेकिंग होता है टेस्ट ट्यूब का, वहां पे क्या करता है, अराउंड क्या करते रहते हैं हमारे पार्टिकल्स, क्या करते हैं आपके इलिप्टिकल शेप्स को बना लेते हैं। तो सरफेस के अलोंग जो भी हमारे वेव्स जनरेट हो, दैट इज कॉल्ड द सरफेस वेव्स। एंड द थर्ड वन इज द लैम्ब वेव। लैम्ब्स वेव्स आर अ सरफेस वेव्स एंड प्रोपोगेट पैरेलल टू द टेस्ट सरफेस। टेस्ट सरफेस के पैरेलल प्रोपोगेट करते हैं, हैव अ पार्टिकल मोशन दैट इज जस्ट लाइक अ इलिप्टिकल एंड दे अकर द थिकनेस ऑफ द टेस्ट मटेरियल। सो दैट बेसिकली इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वी यूज टू टाइप्स ऑफ द वेव्स, longitudinal waves and the shear waves. So longitudinal waves are the those waves where the particle motion is parallel to the direction of the wave propagation, and shear waves where the particle motion is perpendicular to the direction of the wave propagation. That's some terminology which are used in the ultrasonic testing. What is a wavelength? Wavelength is हम लोग ने physics में भी पढ़ा है, पीरियोडिक मोशन की जब हम लोग बात करते हैं तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव ड्यूरिंग अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन, जैसे ही एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। तो जैसे ही हम लोग पीरियोडिक मोशन में, जब हार्मोनिक मोशन एक मोशन कंप्लीट करता था, सो इन द अल्ट्रासोनिक द वेव ट्रेवल इन अ मीडियम एंड कंप्लीट वन वाइब्रेशन दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय इट इज डिपेंड ऑन द वी बाई एफ वेलोसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इफ इट सपोज द velocity is high, then the frequency is low that particular for the wavelength. Sensitivity. What is the sensitivity? Ability to locate the small defect is generally increased with higher frequency. Sensitivity. हम कहते हैं वहां sensitivity ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि वो locate small से small defect तक आपको locate कर देगा। कैसे locate कर देगा? वहां पे आपकी frequency क्या होगी? Higher होगी। जब आपकी frequency higher है, then the wavelength is smaller, shorter wavelength.
सेकेंड वन इज अ रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन इज एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू लोकेट द डिफेक्ट. हमारा सेंसिटिविटी लोकेट करता है स्मॉल डिफेक्ट को, छोटे से छोटे डिफेक्ट को. और रेजोल्यूशन क्या है, एबिलिटी टू ऑफ द सिस्टम टू लोकेट द डिफेक्ट दैट आर क्लोजर टूगेदर इन द मटेरियल. रेजोल्यूशन सो आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है रेजोल्यूशन हमारा इंक्रीज कर जाता है फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ. पेनिट्रेशन डेप्थ इज अ मैक्सिमम डेप्थ इन द मटेरियल दैट फ्लो कैन बी लोकेटेड बाय अल्ट्रासोनिक वेव इन द टेस्टिंग. सो दैट्स द पेनिट्रेशन डेप्थ. स्कैटरिंग. स्कैटरिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और अ साउंड वेव्स फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. इफ यू सपोज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इन द इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक और इट इज स्कैटर्ड. If you suppose the propagation of the waves in that particular direction, then the some portion of the waves are goes for that portion. So this is called the scattering of the sound beams. Absorption, conversion of sound energy from one form to another form is called the absorption. Attenuation, ये हम लोग discuss कर चुके थे radiography testing में. Attenuation क्या है? Attenuation is the डिफाइंड एज द डिके रेट ऑफ प्रोपोगेटेड साउंड वेव. डिके मतलब कमी होना आपकी जो साउंड वेव की जो प्रोपोगेट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, आपके एम्पलीट्यूड में गिरावट आ रही है, दैट इज कॉल्ड द एटेन्यूएशन. एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द साउंड फ्रिक्वेंसी. जैसे जैसे साउंड फ्रिक्वेंसी आपकी जितनी भी ज्यादा होगी उतनी ही आपका एटेन्यूएशन आपका क्या होगा, आपकी ज्यादा होती चली जाएगी. दैट इज so that's why the decay rate of the propagated sound wave is called the attenuation. And the figure shows that the diminution of the amplitude. बहुत देर बाद आपका क्या हो रहा है, डिके हो रहा है साउंड वेव का. एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसको एकॉस्टिक इंपीडेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो कहीं कहीं मटेरियल से होके हमारी साउंड वेव्स जब निकलेगी तो ये एक एकॉस्टिक इंपीडेंस. एकॉस्टिक इंपीडेंस ऑफ द मटेरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द मटेरियल. प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी मीन इफ यू शब्द द प्रेशर ऑफ द पार्टिकल्स. प्रेशर ऑफ द पार्टिकल्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, कितनी वेलोसिटी से वो साउंड आया है, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज द एकॉस्टिक इंपीडेंस. इफ यू सपोज द साउंड वेव इज ट्रेवल फ्रॉम द टू डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल वन एंड मटेरियल टू, सो एकॉस्टिक इंपीडेंस इज चेंज, जेड वन एंड जेड टू चेंज बिकॉज द डेंसिटी इज चेंजेस. And density is same. And if you suppose some is water and something is air, so if you know that the velocity of the sound in the water is very less easily, so impedance of that particular is different. So it is depend on the product of the density and the velocity of the sound. And the reflection and transmission coefficient. It is a basic phenomena when the sound wave is come from the transducer and it find out the cracks, it found out the flow in the material, send that is reflected. So it is a phenomena reflected back to the transducer. So reflected and transmission is a quality जहाँ पे हम basic function है कि कोई incident beam आएगी वो reflect करती है. So reflected जो कर रही है वो coefficient को depend करेगी कि मान लीजिए दो material से, एक material से आई और दूसरे material में गई तो उसका impedance Z2 minus Z1 minus ratio Z2 plus Z1 का square होता है as per the drive. And उसका जो transmission है वो 1 minus आपका refraction है. And basically refraction refer to the transmitted portion of the sound energy at the interface. Interface पे कितना, मैंने ये कहा कि आप ये देखिए कि आपका एक velocity से, एक medium से एक length आई, longitudinal waves आई और वो कितना reflect कर गई, that is theta one से reflect, और कितना वो refracted की, that is a two word, reflect and refract. वो कितना रिफ्रैक्टेड की, दैट इज थीटा 2. सो रिफ्रैक्शन एट द इंटरफेस. तो रिफ्रैक्शन इज द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेड पोर्शन ऑफ द साउंड एनर्जी एट द इंटरफेस व्हेन अ साउंड बीम ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी. यहां पे वेलोसिटी इसकी कुछ डिफरेंट होगी, यहां वेलोसिटी इसकी कुछ डिफरेंट होगी इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पहले आई और कुछ पोर्शन तो इसकी रिफ्लेक्ट कर गई, उसकी तो वेलोसिटी कुछ अलग होगी, इंसिडेंट आई और रिफ्लेक्टेड रेस आपकी निकल गई, लेकिन जो दूसरी आएगी तो उसकी वेलोसिटी आपकी डिफर है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड. सो द इंटरफेस दिस मटेरियल रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एंड दैट इज कॉल्ड थीटा 2.
इसने लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एंग